हेलो बच्चों, कैसे बेटा? मैं हूं अर्जुन, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो समरी लेक्चर की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ट्रिग्नोमेट्री के हम सारे के सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं और कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी आज की क्लास में कवर होने वाले हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, आज हम इतने सारे कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला बेटा इंट्रोडक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री क्यों जरूरी है, इस टॉपिक को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वो हम आज देखने वाले हैं। तो देखो बेटा, जैसे बड़े बड़े डिस्टेंसेस या बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा या फिर बहुत ज्यादा हाइट होगी, तो उसको अगर मेजर करना है तो प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का वहां पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे, ये है हमारा लाइट हाउस, समंदर में ये लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से ये जो शिप है, इसका अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है लाइट हाउस से, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस शिप का डिस्टेंस लाइट हाउस से कितना है वो हम मेजर कर सकते हैं। देन यहाँ पे देखो, अब ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो क्या हम टेप लेके पेड़ के ऊपर चढ़ जाए? नहीं, वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते बेटा, ये है इस पेड़ की हाइट, और ये है इस पॉइंट से, सपोज कोई ऑब्जर्वर देख रहा है उसके टॉप को, तो ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल बनता है। बस आपको ये एंगल पता होना चाहिए, तो और ये एंगल पता होना चाहिए, तो यहां से आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम देखने वाले हैं कि वो कैसे होता है, एक्चुअल में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, वो हम एक्चुअल में अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेसिक आपको क्लियर तो हुआ होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे सराउंडिंग में, हमारे रियल लाइफ में क्या यूज होता है। तो बस इतना याद रखो कि लॉन्ग डिस्टेंसेस या फिर बड़े बड़े जो हाइट्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि टर्म्स रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री कहां पे एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। तो कौन कौन से टर्म्स है एक बार देख लेते बेटा। जैसे कि देखो, अभी आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है, यस, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज इसको मैं नाम देता हूं ए, बी एंड सी। सपोज वी हैव This angle B is 90 degree, right? एक angle 90 degree होता है, तो यहाँ पे ये वाला angle suppose theta है, तो ये वाला angle हो जाएगा 90 minus theta, क्योंकि हमें पता है दोनों का सम कितना होता है, 90 degree होता है। तो एक angle अगर theta है तो दूसरा होगा 90 minus theta, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों को हम बोलते हैं acute angles। ठीक है, ये दोनों angles कैसे है? Acute angles से, these are acute angles, राइट और ये होता है बेटा राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल, ये है राइट एंगल 90 डिग्री जो होता है। ठीक है, ये है राइट एंगल। अब 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर आप ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं क्वेश्चन में, अगर आपको ये वाला एंगल दिया है, तो इसके अपोजिट में जो साइड है उसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड। ठीक है, हाइपोटेनस ये फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। देन थीटा जो एंगल गिवन होता है उसके अपोजिट में जो है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड, और जो रेमेनिंग साइड है बेटा इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगी बेटा हमारी एडजेसेंट साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आई होप आपको ये क्लियर होगा कि अपोजिट साइड हम किसे बोलेंगे, एडजेसेंट साइड हम किसे बोलेंगे, एंड हाइपोटेनस किसे बोला जाता है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, यस। तो आगे बढ़ते बेटा, देखो अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है यहां पे। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती है, तो एंगल्स और साइड्स के बीच में कुछ रिलेशंस बनाए हैं, और उन रिलेशंस को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। तो 10th स्टैंडर्ड में हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अभी हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से, फटाफट बताएंगे बेटा। एक होता है साइन थीटा, देन कॉस थीटा, उसके बाद होता है टैन थीटा, राइट। साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है बेटा अपोजिट अपॉन, अपोजिट साइड अपॉन, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन। ठीक है, देन कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस।
और इसके बाद एक आता है बेटा टैन, जिसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दिस इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे, और बाकी की जो तीन है इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं आप सबको ऑलरेडी पता है। तो देखो इसके रेसिप्रोकल्स मतलब क्या होगा, इसका उल्टा करेंगे तो हमें बाकी के तीन रेशियोज मिलेंगे। जैसे कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, राइट। तो ये अगर इसका रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका उल्टा करेंगे, जैसे अपोजिट साइड हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और अपोजिट साइड नीचे आएगा, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बेटा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, क्लियर, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। देन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है, तो सेक का डेफिनेशन क्या बनेगा फिर, हाइपोटेनस ऊपर जाएगा और एडजेसेंट साइड नीचे आएगी, यहां पे लिखेंगे बेटा एडजेसेंट साइड। देन उसके बाद आता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का डेफिनेशन क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, यहां पे हम लिखेंगे बेटा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये हो गया बेटा छह की छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके डेफिनेशन। बट अब बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इनको लर्न करने में कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे, मतलब ये जो छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनको लर्न कैसे करें, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसको हम सिंपल बनाते बेटा, बस एक सेंटेंस आपको याद रखना है और उस एक सेंटेंस से आप छह की छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ मिनट कुछ सेकेंड्स के अंदर ही लर्न कर सकते हैं। सेंटेंस क्या बेटा, सेंटेंस ये रहेगा बेटा, ओल्ड हारी एंड हिज ओल्ड आंट। ठीक है, अब क्या करना है सर इस सेंटेंस का, ध्यान से सुनो बेटा, ओल्ड हरी एंड हिज ओल्ड आंट, बस आपको ये सेंटेंस याद रखना है और इसमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर देखो ओ, देन एच ए एच ओ ए, राइट। अब ये जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर है बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओ के नीचे एच, ओ बाय एच, देन उसके बाद आएगा ए बाय एच, देन उसके बाद आएगा ओ बाय ए। कुछ समझ में आया, देखो ये O by H मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो दिस रेशियो इज फॉर साइन थीटा, ये रेशियो किसके लिए बेटा, साइन थीटा के लिए। देख लो डेफिनेशन, ओल्ड हरी एंड हिज ओल्ड आंट, इतना तो लिख सकते हैं, ओल्ड हरी एंड हिज ओल्ड आंट, तो ओल्ड हरी का O और H मतलब क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस किसका रेशियो है, साइन का है। देन सेकेंड इज फॉर कॉस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज फॉर कॉस, एंड द थर्ड वन O by A means opposite side upon adjacent side, this is for tan, तो ये होता है बेटा tan theta, right? I hope सबको समझ में आ गया। अब इसी को अगर उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा cosec, sec और cot, जैसे कि देखो H by O करो, H by O है ना, देखो यहाँ पे H by O करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, cosec मिलेगा, इसका उल्टा लिखो, H ऊपर लिखो A नीचे लिखो, मतलब hypotenuse upon adjacent side, तो हमें sec मिलेगा, और इसको उल्टा करेंगे A by O करो, तो A मतलब क्या होता है adjacent side और O मतलब क्या होता है opposite side, so adjacent side upon opposite side मतलब होता है बेटा cot theta। तो I hope आपके पूरे के छह रेशियोज लर्न हो गए, उनके definitions आपको क्लियर है, मतलब ये रेशियो आप लिख सकते हैं कि sec मतलब क्या होता है, cot मतलब क्या होता है। तो फटाफट थोड़ी सी प्रैक्टिस करते आप मुझे आंसर देंगे, बताओ cos theta के लिए क्या होता है, cos theta साइन कॉस टैन सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है, ओल्ड हरी साइन के लिए होता है, एंड हिज कॉस के लिए होता है, ओल्ड आंट टैन के लिए होता है। तो मैंने आपको कॉस के लिए पूछा था, तो आप ओल्ड हरी छोड़ दो, एंड हिज दिस इज फॉर कॉस थीटा एंड हिज, तो ए बाय एच मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस एंड दिस इज फॉर कॉस थीटा। तो ऐसे आप छह की छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लर्न कर सकते बेटा, तो फटाफट इसको कॉपी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट होंगे तो वो भी एक बार फटाफट कवर कर लेते हैं। इसके बाद आता है बेटा रिलेशन अमंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो कुछ रिलेशंस भी हमने पढ़े थे, जैसे कि देखो टैन थीटा जो है उसका रिलेशन होता है बेटा साइन और कॉस के साथ, क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके सर। देन कॉट थीटा का भी एक रिलेशन होता है, क्या होता है, cot theta is equals to होता है बेटा cos theta upon sin theta। Then tan और cot में भी relation है, tan और cot में भी relation होता है, तो tan is equals to tan theta is equals to क्या होता है बेटा 1 by cot theta होता है, बराबर। Again sin theta is equals to क्या होता है 1 by cosec, तो सारे के सारे
रिलेशंस हम यहां पे देख लेते बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज 1/ कोसेक थीटा, अगेन कॉस थीटा क्या होता है 1/ सेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1/ सेक थीटा, उसके बाद साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, देन कॉट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो देखो साइन इज इक्वल टू 1/ कॉस होता है तो इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, कोसेक इज इक्वल टू 1/ साइन होगा, कॉस इज इक्वल टू 1/ सेक होता है तो सेक इज इक्वल टू 1/ कॉस भी हो सकता है, टैन इज इक्वल टू 1/ कॉट होता है तो कॉट इज इक्वल टू 1/ टैन भी पॉसिबल है, बस इन दोनों को इंटरचेंज करना है, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे। तो ये सारे के सारे रिलेशंस हमने यहाँ पे देखे बेटा, और भी कुछ रिलेशंस है जो कि जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री वाले रिलेशंस बोलते हैं, जो कि आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो भी एक बार रिवाइज करते हैं। पहले इनको मैं जरा हाईलाइट करूं, ठीक है। अब देखो कुछ रिलेशंस हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद है आपको, बताओ फटाफट पूरे कमेंट बॉक्स में, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस होता है, अगेन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर, बराबर। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये थीटा और 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बेटा, इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 90 आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। देन और एक रिलेशन बेटा यहां पे, टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इतने सारे रिलेशन से बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आपस में ये सारे रिलेशन से, और ये सारे रिलेशन अगर आपको अच्छे से पता है तो फिर आप ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें और एक टेबल देखना है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज क्या क्या होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री की वैल्यू क्या है किसी भी रेशियो की, जैसे साइन की बात कर रहे हैं 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 की वैल्यू क्या है, तो वो सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट इससे परेशान हो जाते हैं कि सर हमें वैल्यूज लर्न नहीं होते, बट वैल्यूज लर्न नहीं करने हैं बेटा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, सिंपल ट्रिक है जिससे कि आप कंप्लीट टेबल खुद बना सकते हो एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर आपके वैल्यूज लर्न नहीं होते हैं तो लास्ट वाला जो पेज होता है वहां पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप पूरा का पूरा बना के रखो, और वहां से फिर आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप उठा सकते हैं। कैसे बनाना है सर जल्दी बताओ। देखो बेटा आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन होता है बेटा 45 डिग्री, उसके बाद आता है 60 डिग्री, और उसके बाद आता है 90 डिग्री, राइट। इधर हम कुछ रेशियोज लिखेंगे जैसे कि है साइन, मैं तीन का ही बताता हूं बाकी तीन का आप कर लेना, साइन कॉस और टैन, ठीक है, या फिर चलो यार सब कुछ बता ही देता हूं, यहां पर लिखता हूं बेटा साइन, देन क्या आएगा कॉस, उसके बाद आता है टैन, फिर उसके बाद आएगा कोसेक, देन आता है सेक, और उसके बाद आएगा कॉट, है ना। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अभी देखो फटाफट आप कैसे करेंगे बेटा, ये 0 डिग्री है ना, मुझे 0 डिग्री के लिए यहां पे क्या लिखना है बेटा, रूट के अंदर लिखो 0/4, बस इतना लिखो आप, रूट के अंदर क्या लिखेंगे 0/4, इसके लिए क्या लिखेंगे आप 1/4, यहां पर क्या लिखेंगे बेटा 2/4, यहां पर आप लिखेंगे 3/4, और यहां पे आप लिखेंगे 4/4, इतना तो कर सकते हैं ना, ये सीक्वेंस में लिख दो, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, then 60, then 90, उसके बाद रूट के अंदर लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 लिखा। अब बस सिंप्लीफाई कर दो यार इनको, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0/anything इज ऑलवेज 0, 0/any number इज 0, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भी क्या आएगा बेटा 0 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 1/2 आता है सर, 2/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आता है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 1/2 का 1/√2 आता है सर। अब ये 3 रूट के बाहर तो नहीं निकलेगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है, 4/4 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, हो गए ना हमारे साइन के सारे एंगल्स के वैल्यूज खत्म, ठीक है। देखो साइन 0 क्या होता है बेटा 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन फॉर डिफरेंट एंगल्स। अब कॉस के लिए क्या करें सर, सिंपल है बेटा, बस उल्टा लिखते आओ, उधर से लिखते आओ, तो सबसे पहले यहां पे 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे √3/2 लिखेंगे,
उसके बाद क्या लिखे सर, 1/√2 लिखो, उसके बाद क्या लिखे 1/2 लिखो, और उसके बाद क्या लिखे 0 लिखो, खत्म। बस साइन की जो वैल्यूज है बेटा उसको उल्टा लिखते जाओ तो आपको कॉस के सारे स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज मिलेंगे। उसके बाद टैन आता है, तो टैन और साइन कॉस का रिलेशन तो हमने ऑलरेडी देखा था बेटा, क्या था वो रिलेशन, टैन थीटा, प्रीवियस स्लाइड में देखा बेटा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, बस ये वाला रिलेशन लगा दो ना। मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना है हमें ये वैल्यूज वाला, तो भी हमें रिलेशन पता होने चाहिए, तो बस साइन और कॉस को डिवाइड करो, तो इनके वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमें टैन के वैल्यूज मिलेंगे। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल तो 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे √2 कैंसिल तो 1/1 आएगा, ये 2 कैंसिल तो क्या बचेगा √3 बचेगा, √3/1 मतलब √3 होता है, 1/0 क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइन होता है, आ गया ना टैन का भी बराबर। अब सिमिलरली आप क्या कर सकते बेटा, कोसेक सेक और कॉट कैसे करेंगे, आपको पता है कि साइन और कोसेक में रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, तो जो भी साइन की वैल्यू है कोसेक के लिए उल्टा करना है, तो ये जीरो है, जीरो मींस 0/1, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसका उल्टा रेसिप्रोकल करो 2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 आएगा, इसका क्या आएगा बेटा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, हो गया ना कोसेक। अब सेक के लिए कॉस का रेसिप्रोकल लेना है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, देन 1/√2 का ये √2 होगा, 1/2 का 2 होगा, और ये जो 0 है इसका उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइन होगा। देन कॉट के लिए टैन का रेसिप्रोकल लेना है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइन होता है, 1/√3 का √3 होता है, 1 का 1 ही होता है, √3 का 1/√3 होता है, और ये जो देखो आपको दिख रहा है यहां पे नॉट डिफाइन, तो 1/not define क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 1/0 अगर नॉट डिफाइन होता है तो 1/not define 0 ले लेंगे। तो ये बन गया बेटा पूरा का पूरा टेबल। अब आपको कोई भी अगर वैल्यू चाहिए तो आप यहां से उठा सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि इतने सारे स्टैंडर्ड एंगल आपके सिलेबस में है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। तो 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, ठीक है, तो वो आइडेंटिटीज कौन से बेटा, सबसे पहली आइडेंटिटी यहां पे मैं लिखता हूं जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है, कौन सी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बट रुको जरा, अभी खत्म नहीं हुआ, ये जो आइडेंटिटी है इसके हम और 2 आइडेंटिटीज बना सकते हैं, कौन कौन से देखो, अगर आपको यहां पे ए पार्ट लिखता हूं मैं, उसको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे बेटा, ये कॉस स्क्वायर को राइट साइड भेजो ना, तो ये हो जाएगा 1 - cos² θ। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को राइट साइड भेजो, तो 1 - sin² θ हो जाएगा। अब ये हो गया कंप्लीट, पहली आइडेंटिटी जो है उसके कंप्लीट फॉर्मूलेस हमने यहां पे देख लिए, अलग अलग फॉर्मेट देख लिए। ये तो मेन आइडेंटिटी है, इसी से डिराइव आइडेंटिटी ऐसे बनते हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और एक कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी कौन सी बेटा, सेकेंड यहां पर लिखता हूं मैं, 1 + tan² θ = sec² θ, याद है ना, इसको तोड़ फोड़ के हम कैसे अलग अलग आइडेंटिटीज बना सकते, देख लो बेटा अभी। अब मैं एक काम करता हूं यार, इसको ऐसे लिखो क्या, 1 को अगर राइट साइड में भेजू तो क्या होगा, tan² θ = sec² θ - 1। हाँ, या फिर ऐसा भी कर सकता हूं मैं, एक बार 1 को भेजा, अब एक बार tan को भेज दो, तो tan को भेजेंगे तो क्या होगा, sec² θ - tan² θ = 1, तो यहां पे आएगा बेटा sec² θ - tan² θ = 1। आ रहा है समझ में, देखो इसको ऐसा लिखो या फिर उल्टा करके लिखो, इट इज वन एंड द सेम, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec² θ - 1, और इस tan स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो sec² θ - tan² θ = यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको मैं सीधा करके ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो sec² θ, ये 1 उधर चला गया तो sec² θ - 1, तो एक साइड में क्या बचेगा बेटा, tan² θ बचेगा। तो ये बन जाएगी हमारी सेकेंड आइडेंटिटी, और उसके 2 सब आइडेंटिटीज, मतलब उसी से हमने और 2 आइडेंटिटीज यहां पे बनाए। क्लियर बेटा,
सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ए एंड दिस इज बी पार्ट। अब थर्ड आइडेंटिटी भी हमारे पास है, कौन सी है वो? चलो यहां पे लिखता हूं मैं, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? थर्ड आइडेंटिटी बेटा वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे किया था, देखो कोसेक स्क्वायर में से कॉट स्क्वायर माइनस करो तो मिलेगा हमें एक साइड में ओनली वन, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देन अब एक काम करते हैं, वन को ही उधर भेज लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो ये देखो हमारे आइडेंटिटीज आ गए यहां पे, है ना। तो इसके भी हमने अलग अलग आइडेंटिटीज यहां पे बना दिए। तो इसको मैं लिखता हूं ए और इसको मैं लिखता हूं बी। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए एंड बी, राइट। तो देखो बेटा यहां पे तीन अलग अलग आइडेंटिटीज थे और उनके हमने अलग अलग फॉर्म भी देखे कि अलग अलग आइडेंटिटीज क्या बन सकती है। तो ये नाइन रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये तीन, तीन और तीन, तो ये नाइन रिलेशंस अगर आपको पता है बेटा तो प्रूव दैट वाला कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो प्रूव दैट के क्वेश्चन के लिए आपको ये वाले जो डिराइव्ड आइडेंटिटीज है वो भी पता होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो अभी एक बार नोट डाउन कर लो और इसको थोड़ा सा लर्न करके देखना है, ठीक है। एक ही मेन आइडेंटिटी लर्न करो आप, बाकी की आ जाते हैं फिर, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रूव दैट वाला ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, आरएचएस में हमें क्या चाहिए? सेक थीटा माइनस टैन थीटा चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें एलएचएस पे ताकि आरएचएस पे मुझे सेक थीटा माइनस टैन थीटा मिलेगा? तो देखो आरएचएस में आपको कहीं पे रूट दिख रहा है क्या बेटा? नहीं सर, रूट तो है ही नहीं यहां पे। तो फिर एक काम करते हैं, इसका रूट कैसे हटाए इसके बारे में सोचते हैं। तो एलएचएस इक्वल टू पहले लिख लेता हूं मैं, एलएचएस क्या है बेटा? वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब बोलेंगे सर दोनों साइड से स्क्वायर ले लो रूट निकल जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एलएचएस का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो वो वाला ऑप्शन छोड़ के दूसरा कुछ है तो बोलो, हम स्क्वायर तो नहीं ले सकते। एक काम करते हैं ना सर, फिर ये जो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर बना देते और यहाँ पे इसका स्क्वायर बना देते, तो फिर हो सकता है। देखो अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा है और डिवाइड में वन प्लस साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, ये वन प्लस साइन थीटा, तो नीचे अगर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर ना? करना पड़ता है ना, क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा ना उसको। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला बुरा मान जाएगा न्यूमरेटर, तो वहां पे भी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा यहाँ पे? अब देखो इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा बेटा? ऊपर देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है और नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? डिनोमिनेटर तो समझ में आया होगा, न्यूमिरेटर में क्या किया? यहां पे हमने लगा दिया बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी, याद है क्या? देखो ऐसी होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो क्या होगा? ये वन स्क्वायर है तो वन लिखू, यस, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही पे हटा दू क्या? यस, यही पे हटा देता हूं, ठीक है। देखो वन स्क्वायर लिखा था मैंने, तो बस उसको वन लिखू, वन का स्क्वायर या फिर वन एक ही होता है। अब वन माइनस साइन स्क्वायर डिराइव्ड आइडेंटिटी देखो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में कैसे काम आ गई। अभी अभी बताया था मैंने बेटा वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये तो आइडेंटिटी हमने देखी नहीं थी सर, बट यहां पे देखो ना वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। तो हमने डिराइव्ड आइडेंटिटी देखी थी और उसी का यूज हुआ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में। मैंने बोला था कि आपको वो सब कुछ पता होना चाहिए प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के लिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मैंने कॉस स्क्वायर पुट कर दिया और यहां पे है बेटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो हो जाएगा कैंसल।
देन नीचे 1 प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये आएगा बेटा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा। अब क्या होगा, मुझे तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा चाहिए, वो कहां से मिलेगा, ये तो कुछ अलग ही मिला। एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो सकता है हमें वो मिल जाए। अब एक काम करते बेटा, इसको है ना और मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन थीटा और यहां पे भी आएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर क्या बनेगा बेटा, ये कॉस थीटा है, दिस इज 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड में क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर आया यहां पे कॉस थीटा देन 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है सर, बराबर। अब एक कॉस कैंसल, तो मेरे पास बचता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करें, अब करेंगे बेटा सेपरेट डिवाइड, तो ये 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, और यही तो आरएचएस है, समझ में आया। हमें ये वाला रिजल्ट मिला था, यहां से मुझे आंसर नहीं दिख रहा था, फिर मैंने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट लिया, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट तो ले नहीं सकते, एक ही टर्म है वहां पे, बराबर, तो इसका कॉन्जुगेट लिया ऊपर नीचे, तो फिर हम हमारे फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए और ये हो गया हमारा आरएचएस के बराबर, और हम फिर बोल सकते हैं हेंस इट इज प्रूव्ड। देखो sec थीटा माइनस tan थीटा जो हमें चाहिए था वो रिजल्ट यहां पे मिल गया है, क्लियर बेटा। चल आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sec थीटा माइनस cos थीटा, देन सेकंड ब्रैकेट में है cot थीटा प्लस tan थीटा, और RHS में चाहिए ओनली tan थीटा इनटू sec थीटा, ये इतना सब कुछ नहीं चाहिए, तो मैं फिर से एक बार क्या करता हूं बेटा, यहां पे LHS लेता हूं, दिस इज sec थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब यहां पे आपको एक मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूं कि कैसे समझ में आएगा सर हमें कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है ना, तो थोड़ा सा ना आप यहां पे ऑब्जर्वेशन ये कर सकते बेटा, देखो ये sec है और cos है ना, तो sin cos और बाद में cosec sec cot, तो cos यहां पे दिख रहा है ना, और इधर cot tan है, इधर sec है, तो सबको sin cos में कर दो, क्योंकि एक cos यहां पे दिख रहा है मुझे, स्टार्टिंग के तीन sin cos tan, और यहां पे देखो cosec sec और cot दिख रहा है आपको, cosec cosec नहीं है, tan है cot है और sec है, और यहां पे cos दिख रहा है, सबको sin cos में करो, तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। और वैसे भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिल रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है, तो ट्राई करके देखना है। यहां पे मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं, तो सेक को क्या लिखेंगे बेटा, सेक को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, ये तो ऑलरेडी कॉस थीटा है, देन कॉट को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या होगा बेटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, so that is equals to क्या होगा, अब करेंगे बेटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, माइनस क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा cos थीटा, राइट, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा बेटा sin स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूं मैं। अब 1 माइनस का स्क्वायर, फिर से एक बार डिराइव्ड आइडेंटिटी का यूज होगा, 1 माइनस का स्क्वायर होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे यहां पे क्या आएगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी है हमारी, ओरिजिनल आइडेंटिटी, और डिनोमिनेटर में यहां पे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब कैंसिल करेंगे साइन एक साइन, बस इतना ही हो सकता है कैंसिल, है ना। अब एक काम करते हैं, फिर अभी जो बचा हुआ है उसको हम लिख के रखते हैं एज इट इज, ये साइन थीटा है, यहां पे है बेटा कॉस थीटा, यहां पे बचा ओनली एक कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो टैन थीटा होता है सर, और 1 बाय कॉस क्या होता है सेक होता है, एक बार जरा देख लो तो क्या आपको यहां पे आरएचएस मिल गया क्या, ओह यस मिल गया ना, कहां है ये देखो, ये देखो आरएचएस मिल गया, tan थीटा इंटू sec थीटा मिल गया ना हमें RHS, बराबर समझ में आ रहा बेटा। मैंने क्या किया, सबको sin cos में कन्वर्ट किया, थोड़ा सॉल्व करता 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 आगे गया, और यहां पे लास्ट में मुझे जो चाहिए था RHS में वही रिजल्ट मिल गया, एंड हेंस वी कैन से दैट इट इज प्रूव्ड, क्लियर। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक बार उसी टाइप का आता है, देखो यहां पे
कॉट है, टैन है, राइट साइड में क्या चाहिए, कोसेक और सेक चाहिए, तो मैं इसको भी ट्राई करके देखता हूं ना साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं। तो देखो ये कॉट थीटा प्लस टैन थीटा है, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड में प्लस दिख रहा है, राइट साइड में मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कैसे कन्वर्ट करें समझ में नहीं आ रहा है, तो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, और ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या होगा बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, ये तो आइडेंटिटी है सर, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये होगा बेटा वन बाय साइन थीटा। सेपरेट कर रहा हूं मैं दोनों को, अलग अलग लिख रहा हूं, तो वन बाय साइन थीटा क्या होता है बेटा कोसेक थीटा होता है, वन बाय कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, इक्वल टू क्या होगा आरएचएस। आ गया आंसर, बस मैंने क्या किया साइन कॉस में कन्वर्ट किया और मुझे यहां पर आंसर मिल गया, इजी एकदम सिंपल। चल आगे, अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट साइन टू द पावर फोर थीटा माइनस कॉस टू द पावर फोर थीटा, और राइट साइड में बस स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और वैसे भी फोर्थ पावर वाली आइडेंटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, बराबर ना, हाँ, तो हमें बस स्क्वायर स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज होते हैं। तो क्या करें हम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा स्क्वायर वाले फॉर्म में, तो ये क्या होगा एलएचएस इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं साइन टू द पावर फोर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस टू द पावर फोर थीटा। तो मैं एक काम करूं क्या, यहां पे इनको ना स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा यहां पे स्क्वायर, फिर ये होगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा यहां पे स्क्वायर, है ना, ओके, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब फोर्थ पावर ना, बट यहां पे और एक आइडेंटिटी मुझे याद आ रही है, कौन सी, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए बोलूंगा बेटा, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए बोलूंगा और इसको मैं बी बोलूंगा, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद आया कुछ, हाँ सर, क्या याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद आ गई, जो होती है ए प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी, राइट, तो यहां पे लिखेंगे बेटा हम ए प्लस बी और अनदर ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी, आया समझ में, यस सर, ए मतलब यहां पे साइन स्क्वायर है और बी मतलब यहां पे कॉस स्क्वायर है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं, यार ये वन को हटा दो, अभी वन को अगर हटा देंगे, क्योंकि वन का मल्टीप्लीकेशन में यहां पे कुछ रोल नहीं होगा, किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आंसर में आएगा, वन चला जाएगा। तो अब राइट साइड में मुझे ना बस कॉस चाहिए, कॉस, साइन का काम नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, फिर साइन की एक आइडेंटिटी हमने लर्न की थी, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद आया कुछ, मैंने क्या किया इस साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया, डिराइव्ड आइडेंटिटी वंस अगेन, बराबर। तो अब देखो ये कॉस में हो गया ना, अब यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वंस अगेन कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू क्या होगा आरएचएस। आगे के देखो, यस सर, आ गया, एकदम इजी पीजी, ठीक है, एकदम सिंपल था यार। चलो आगे बढ़े, अब क्या बोल रहा है, इफ टैन थीटा प्लस वन बाई टैन थीटा टू है, देन प्रूव दैट tan square theta plus 1 by tan square theta भी 2 आएगा, but difference है, क्या difference है, यहाँ पे tan tan का square नहीं है, यहाँ पे square है, और फिर भी आ रहे जिसने 2 ही बोल रहा है, एक काम करते हैं, ये given है आपको और वो prove करना है, ठीक है, तो given वाला जो है बेटा उसको मैं as it is पहले लिख लेता हूँ, tan theta plus 1 by tan theta is equals to 2, है ना, अब दोनों साइड से हम स्क्वेरिंग करते हैं बेटा, दोनों साइड से स्क्वेरिंग करेंगे तो टैन थीटा प्लस वन बाई टैन थीटा का यहां पे लगाते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर टू का भी स्क्वायर होगा, बराबर, टू का भी स्क्वायर होगा। अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा टू का स्क्वायर, तो फोर होता है सर। देन नाउ इट इज टैन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस
दिस इज टैन एंड टैन कैंसिल, तो क्या आएगा यहां पे, ओनली टू बचेगा प्लस वन बाय टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर, राइट। मुझे क्या क्या चाहिए, टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, इस टू को भेज दो राइट साइड में, तो क्या मिलेगा बेटा यहां पे, टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाय टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फोर, में से टू माइनस करेंगे तो क्या होगा, टू आएगा। तो ये हो गया ना हमारा फाइनल आंसर, जो हमें चाहिए था वो यहां पे मिल गया, ठीक है, देखो है ना, यस। तो हमने क्या किया यहां पे, ओनली स्क्वेरिंग किया और सॉल्व करते करते गए, तो हमें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट यहां पे मिल गया, एकदम इजी सिंपल सिंपल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और राइट साइड में एकदम सिंपल साइन और कॉस, साइन और कॉस चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। अब राइट साइड में साइन और कॉस ही चाहिए, तो फिर इनको सबको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करते हैं ना, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो LHS में यहां पे लिख रहा हूं, LHS क्या है, टैन ए डिवाइड में यहां पे क्या दिख रहा है, वन प्लस टैन स्क्वायर ए का स्क्वायर कॉट ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर। अब ये tan a जो है बेटा, tan a क्या होता है, sin a डिवाइडेड बाय cos a, ऐसा लिखूं मैं क्रॉस में, यस। और 1 प्लस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने लर्न की थी, क्या थी वो, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है बेटा sec स्क्वायर, तो क्या मैं 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिखूं यहां पे, यस। अब cot क्या होता है बेटा, cos a अपॉन sin a, और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर, तो cosec स्क्वायर a का यहां पे स्क्वायर आएगा, राइट। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, देखो अब ये sin a डिवाइडेड बाय cos a, इसको मैं हॉरिजॉन्टल यहां पे नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब इसके डिवीजन में क्या है बेटा, इसके भी डिवीजन में क्या है, इसके डिवीजन में है sec टू द पावर, sec टू द पावर 4a, आया समझ में, ये देखो ये 2 2 क्या होगा 4 होगा, प्लस ये होगा बेटा यहां पे cos a डिवाइडेड बाय sin a, और उसके डिवीजन में यहां पे आएगा cosec टू द पावर 4a, आया समझ में, आया समझ में, cosec का 2 2 मतलब यहां पे क्या होगा 4 होगा। अब थोड़ा सा आपको और ध्यान से यहां पे देखना है मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा इसके आगे कैसा होगा, देखो ये है मेरे पास साइन बाई कॉस, ओके यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये जो सेक है बेटा, ये इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो सेक कौन से रेशो में कन्वर्ट होगा, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है सर। तो अगर डिनोमिनेटर में सेक है तो न्यूमिनेटर में क्या बनेगा, कॉस बनेगा, याद है ना, देखो वन बाई कॉस है तो वो ऊपर जाके क्या होगा, सेक होगा, और वन बाई सेक है तो वो क्या बनेगा बेटा, यहां पे कॉस बनेगा। तो सेक को अगर हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो कॉस बनेगा ना, तो यहां पे सेक, देखो सेक का पावर 4 है डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो कॉस का पावर 4a आएगा, समझ में आया। सिमिलरली ये है बेटा मेरे पास यहां पे कॉस और यहां पे है साइन, ये नीचे कोसेक है, ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो ये आएगा बेटा साइन टू द पावर 4, क्योंकि कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। तो यहां तक समझ में आया, अब देखो आगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये कॉस का एक एक पावर कैंसिल तो यहां पे 3 बचे कॉस, साइन एक एक कैंसिल तो यहां पे 3 बचे, ये समझ में आया क्या, ये समझ में आया क्या, ध्यान से देखो बेटा ये सबको समझ में आ गया। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या बाकी है, साइन ए बाकी है और कॉस का क्यूब बाकी है, साइन ए कॉस क्यूब, फिर से यहां पे कॉस ए और साइन का क्यूब बाकी है, राइट। अब यहां पे क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इसके पास एक साइन है, इसके पास 3 साइन है, तो एक ही साइन ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा साइन नहीं है तो एक साइन तो ले ही सकते हैं, इसके पास कॉस 3 है, इसके पास एक ही है तो एक ही ले लो कॉमन, ठीक है। अब क्या बचेगा, साइन तो चला गया, कॉस का एक चला गया, तो कॉस स्क्वायर तो बाकी है, इसका कॉस एक चला गया, साइन एक चला गया, तो साइन का स्क्वायर बाकी है,
ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, वन होगा। तो हमारा आंसर यहां पे क्या आएगा, साइन ए कॉस ए विच इज इक्वल टू आर एच एस। खत्म। आया समझ में? तो देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया बेटा, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते आया मैं और फाइनली मुझे यहाँ पे आर एच एस मिल गया। जो आंसर हमें चाहिए था राइट हैंड साइड में वो हमें यहां पे मिल गया है। ठीक है, चला पुणे जाओ यार। अब आता है बेटा हमारा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पे ना कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के मैं टॉप को देख रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकलती है, सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैं अगर ऊपर देख रहा हूं, ऊपर देख रहा हूं तो इसे हम क्या बोलेंगे, यहां पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मेरी आंखों से स्ट्रेट लाइन जो जा रही है वो हॉरिजॉन्टल है। और अगर मैं ऊपर देख रहा हूं बेटा तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है एक्चुअली, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो जो एंगल बनता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्डिंग पे खड़े और नीचे किसी कार को देख रहे तो हमें ऐसा नीचे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और हम नीचे देख रहे हैं, तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल फॉर्म होता है तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ऊपर अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ये एंगल्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनते हैं, याद रखना बेटा, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्टिकल लाइन के साथ लेना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ लेना है। तो ये एंगल्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेंगे। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेंगे एंगल्स। ठीक है, चलो तो अब देखो ये है लाइट हाउस, यहां से इस शिप की तरफ हम देख रहे हैं। ठीक है, तो एंगल कहां पे बनेगा, इससे स्ट्रेट जो लाइन जा रही है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं ना। तो एक एंगल यहां पे बनेगा और दूसरा एंगल यहां पे बनेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल बनता है। ठीक है, तो इसको मैं थीटा वन बोलता हूं और इसको थीटा टू बोलता हूं। क्लियर बेटा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है, उसी के साथ ये एंगल्स बनते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस हो जाए बेटा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। एक चर्च है बेटा और इस चर्च से एक पर्सन 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। ठीक है, इस चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है, ये डिस्टेंस है 80 मीटर का। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस है 80 मीटर का। ये चर्च है राइट, और यहां से 80 मीटर डिस्टेंस पे एक यहां पे पर्सन खड़ा है, सपोज यहां पे खड़ा है वो। एंड फ्रॉम अ पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स टॉप, इसके टॉप को देख रहा है वो पर्सन, इसके टॉप को देख रहा है ये पर्सन। तो इसका टॉप जो है, तो इसके टॉप को अगर देख रहा है तो यहां पे कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ही है बेटा, तो यहां पे कुछ ना कुछ एंगल तो बन रहा होगा। तो वो एंगल क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो ऊपर की तरफ अगर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 45 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ चर्च, एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको चर्च की हाइट फाइंड आउट करनी है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं सपोज ए बी और सी। ध्यान दो बेटा, ये एकदम सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपको एक चर्च यहां पे गिवन है, चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है, वो चर्च के टॉप को देख रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया हुआ है। आपको चर्च की हाइट फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे ध्यान दो। देखो यहां पे ना आपको ये एंगल गिवन है बेटा, तो इसके लिए अपोजिट साइड ये हो जाएगी, ये अपोजिट साइड है और दिस इज एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, तो आपको एडजेसेंट साइड गिवन है और अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है और इसी से डिसाइड होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अपोजिट और एडजेसेंट से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। आपको एडजेसेंट दिया है, अपोजिट फाइंड आउट करना है, तो अपोजिट एडजेसेंट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है, टैन फिर कॉट। तो इसलिए यहां पे
टैन या फिर कॉट रेशियो का यूज करके आप चर्च की हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो कैसे करेंगे देखो, अब यहां पे इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि चर्च और ग्राउंड का एंगल हमेशा 90 डिग्री हम कंसिडर करते हैं कि बिल्डिंग का, पोल का, सब परपेंडिकुलर होते हैं ग्राउंड को, ठीक है। देन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल एसीबी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन बीसी इज इक्वल टू 80 डिग्री, सो देयरफॉर tan theta या फिर tan 45 बोल सकते हैं, tan 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यहां पे लेंगे बेटा तो AB अपॉन BC आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB हमें पता नहीं है और BC 80 है, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AB इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 80 सेंटीमीटर। और AB क्या है, AB इज द हाइट ऑफ चर्च, तो हो गया खत्म। अपोजिट एडजेसेंट से रिलेटेड रेशियो हमने आइडेंटिफाई किया कि वो tan वाला रेशियो है, तो tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, डेफिनेशन हमें पता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब tan होता है, तो यहां पे बस वैल्यूज पुट किए और हमें आंसर मिल गया। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर, हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर, आया समझ में? चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुक्स एट अ शिप एंड फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 डिग्री, एक लाइट हाउस के टॉप से देख रहा है शिप की तरफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्योंकि नीचे जा रहा है वो, ठीक है, एंगल कहां नीचे जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बेटा। तो जैसे देखो ये लाइट हाउस है, ठीक है, और यहां पे कहीं पे शिप है, यहां पे कहीं पे शिप है सपोज, ठीक है, और ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहां से ऐसा नीचे देख रहा है शिप की तरफ, ठीक है, बट ये जो एंगल है हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है, ये जो एंगल है हमेशा यहां पे देखो, यहां से पर्सन देख रहा है तो एंगल हमेशा हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था बेटा 30 डिग्री, यहां पे एक शिप है सपोज, ठीक है, ये शिप है सपोज, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है। If the height of the lighthouse is 100 meter, lighthouse की height कितने बेटा 100 meter है, then find how far the ship is from the lighthouse, तो आपको क्या find out करना है यहां पे, आपको find out करना है ये वाला distance, आपको find out करना है ये वाला distance, ठीक है, lighthouse से कितने दूरी पे है ship, ये find out करना है, lighthouse की आपको height given है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पे आप इस right angle triangle को consider करेंगे तो आपको एंगल जो दिया है ना वो तो ट्राइंगल के बाहर दिख रहा है, बट एक काम करेंगे यहां पे, ये जो ग्राउंड है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होती है, तो आपको यहां पे जेड नजर आ रहा है तो ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होगा, रीजन अल्टरनेट एंगल्स, आया समझ में? देखो आपको उल्टा जेड नजर आ रहा है बेटा, यस ऐसा जेड नजर आ रहा है ना, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम, तो यहां पे दोनों एंगल का मेजर कितना होगा 30 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल हमें यहां पे कितना मिल गया 30 डिग्री मिल गया, राइट। आप देखो अगर ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड और ये है एडजेसेंट साइड, वंस अगेन विच रेशियो, टैन रेशियो। तो कैसे करेंगे बेटा, यहां पर लिखता हूं मैं, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में करो, इन ट्राइंगल कुछ नाम दे दू, ए बी और सी ही देता हूं फिर से, इन ट्राइंगल एबीसी टैन वाला एंगल रेशियो लगा रहा, टैन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बाकी का आप लिख लेना कि एबी इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, देयरफॉर एबी इज इक्वल टू 100 मीटर एंड देन बीसी इज द डिस्टेंस ऑफ दैट शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको एक्स ले सकते हैं आप, देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू एक्स। तो ऐसा करके आप पूरा मसाला मार के मस्त इसका सॉल्व करेंगे, मैं यहां पे इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन है वो आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है, एबी एंड देन एडजेसेंट साइड इज बीसी, टैन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, एबी कितना है 100 है,
और बीसी हमें फाइंड आउट करना है। तो बीसी इज इक्वल टू क्या आएगा, 100√3। बीसी इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 100√3 आएगा, राइट। रूट थ्री की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री की वैल्यू है 1.73, ठीक है, 1.732 कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा बेटा, 17.32 मीटर। तो BC इज इक्वल टू आ गया 17.32 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस, तो हमें उसका आंसर यहां पे मिल गया, और वो आंसर कितना आया बेटा, 17.32 मीटर। क्लियर, सबको समझ में आया, यस। आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, चलो 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 और देखते हैं। टू बिल्डिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 15 मीटर। एक रोड बेटा 15 मीटर उसकी विड्थ है, एक रोड है जिसकी विड्थ कितनी है, 15 मीटर है, रोड की विड्थ है 15 मीटर, और इस रोड के दोनों साइड से दो बिल्डिंग है। From the top of the first building having a height of 12 meter, the angle of elevation, first building जो है उसकी height हमें given है 12 meter और वहां से angle of elevation है, मतलब obviously second building कैसी होगी, tall होगी ना, yes, क्योंकि second building को देखने के लिए यहाँ पे इसको angle of elevation बनाना पड़ रहा है, मतलब tall है second building, तो second building suppose यहाँ पे है ऐसी, ठीक है। तो क्या हो रहा है बेटा, यहां से From the top of the first building having a height of 12 meter, तो इसकी height हमें given है 12। एक मिनट, पहले यहां से angle of elevation बना लें, ठीक है? Second building के top को देख रहा है, तो angle of elevation of the second building is 30 degree। तो angle हमेशा किसके साथ बनता है बेटा? Horizontal line के साथ बनता है, तो horizontal line यहाँ पे आएगी, right? This is horizontal line, तो इसके साथ बनेगा angle of elevation। तो ये angle of elevation कितना है? 30 डिग्री का है, आया समझ में? और इसकी हाइट हमें गिवन है कितने बेटा, इसकी हाइट है 12 मीटर, राइट। अब क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, एकदम सिंपल है। देखो आपको ये तो पता है बेटा कि ये 90 डिग्री, यहां पे बिल्डिंग जो है वो ग्राउंड को हमेशा 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये बन जाता है बेटा यहां पर हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, obviously 90 डिग्री है, ठीक है, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो ये बनेगा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। इसको आप नाम दे सकते हैं ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो यार रेक्टेंगल के अपोजिट साइड तो सेम होते हैं सर, इक्वल होते हैं, तो ये अगर 12 है तो ये वाली हाइट भी कितनी होगी बेटा, 12 होगी। तो इसको आप पहले रेक्टेंगल बोलेंगे और उसके बाद फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो जो 12 है यहाँ पे ए बी, तो सी डी भी कितना आएगा, 12 आएगा। अब आपको सेकंड बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी थी ना, इतना पार्ट तो मिल गया, बस आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां पे कुछ नाम दे दूं मैं, ए बी सी डी हो गया, अब इसको ई बोलते हैं, तो आपको बस सी ई फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, उसके लिए आप चले जाएंगे इस ट्राइंगल में, बी सी ई ट्राइंगल में, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल बी सी ई, ठीक है। एंगल आपको यहां पर पता है ये 15 है, तो ये भी कितना आएगा बेटा, 15 आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये एंगल आपको गिवन है, इसकी ये अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है, तो अपोजिट और एडजेसेंट वंस अगेन रेशियो कौन सा, टैन या फिर कॉट भी ले सकते हैं, तो यहां पर लेंगे बेटा वंस अगेन टैन, कॉट से भी कर सकते हैं। टैन 30 इज इक्वल टू अपोजिट मीन्स CE और adjacent means क्या होता है बेटा, BC। तो tan 30 होता है 1/√3, CE हमें पता नहीं, find out करना है, BC कितना बेटा 15 है, तो CE is equals to क्या होगा, ये CE √3 into CE is equals to 15, तो CE is equals to क्या आएगा, 15 divided by √3। अब क्या करें सर, ये रूट थ्री को कैसे हटाए, क्या मैं यहां पे 1.732 पुट करूं, नहीं ऐसा मत कर, नहीं तो डिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या करें फिर, इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब रूट थ्री से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब दोनों साइड से न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री से, तो 15√3 √3 √3 3 तो 3 1 3 3 5 15, तो 5√3 आ गया,
पाई रूट थ्री आ गया, अब क्या करें, अब 1.732 अब पुट कर सकते हैं। अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो जाता है एज कंपेयर टू डिविजन, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होगा बेटा, 5 × 1.732 क्या होगा, 5 × 2 = 10 कैरी 1, 5 × 3 = 15 + 1 = 16 कैरी 1, 5 × 7 = 35 और 1 = 36 तीन बचे तो 8660 तो 1, 2, 3 तो 8.6 आ रहा है, राइट। तो 8.66 यहां पे मैं ले लूं, 8.66 मीटर, बट दिस इज सीई और हमें फाइंड आउट करना है बेटा ये बिल्डिंग की हाइट। तो बिल्डिंग की हाइट क्या आएगी, तो यहां पे बिल्डिंग की हाइट है डी ई, तो डी ई इज इक्वल टू क्या होगा, डी सी प्लस सीई, डी ई इज इक्वल टू होगा डी सी प्लस सीई, तो डी सी कितना है, वेल सी कितना है 8.66, तो आंसर क्या आएगा बेटा 20.66। तो इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 20.66 मीटर, क्लियर। ये 12 तो था ही ऑलरेडी, हमने सीई फाइंड आउट किया यहां पे और सीई कितना मिला 8.66, तो हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग मतलब दोनों का एडिशन होगा तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 20.66 मीटर, क्लियर बेटा। चला पढ़े जाओ भैया, अब क्या बोल रहा है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। देखो इसके डायग्राम में बताता हूं, एक ऐसा पेड़ था यहां पे, सपोज ऐसा एक पेड़ है, ठीक है, और इस पेड़ का एक जोर से ऐसा ये विंड चल रही थी और उसके वजह से एक स्टॉर्म है, मतलब बहुत जोर से चल रही थी विंड, उसकी वजह से पेड़ गिर गया, टूट गया और नीचे गिर गया, ठीक है। तो सपोज ये वाला ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पे नीचे आ गया ऐसा, ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये टूट के यहाँ पे नीचे गिर गया। आगे क्या बोल रहा है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस, तो बेस जो है यहां से 20 मीटर पे उसका टॉप गिर गया नीचे, ट्री का टॉप, ये जो है ऊपर का ये यहां पे ऐसा नीचे गिर गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो बेटा इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, वो जो टॉप है जो नीचे गिर गया था, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा, आपको अगर इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसको मैं ए बी और इसको सी बोलता हूं, तो आपको क्या ए बी फाइंड आउट करना है, नहीं, ये तो जहां से ब्रेक हुआ था ये ट्री वो पार्ट इधर चला गया, तो कंप्लीट ट्री की हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, क्योंकि ऊपर वाला जो पार्ट है बेटा वो इधर नीचे टूट के गिर गया, मतलब आपको अगर हाइट फाइंड आउट करनी है तो ए बी और ए सी दोनों भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दोनों का एडिशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल ए बी और ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है। तो कैसे करेंगे सर, देखो सबसे पहले तो एक काम करते बेटा, ये ट्राइंगल में हमें एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, एंगल दिया है बस, है ना, एलिवेशन वगैरह नहीं, एलिवेशन यहां पर नहीं आएगा क्योंकि हम ऊपर या फिर नीचे नहीं देख रहे, एंगल दिए, ठीक है। तो मैं इस ट्राइंगल में जाऊंगा बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले सोचता हूं ये एंगल है तो ये अपोजिट साइड है, एडजेसेंट साइड है, तो टैन वाला रेशियो ले लू, यस टैन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज ए बी एंड एडजेसेंट साइड इज बी सी, तो टैन 60 रूट 3 है बेटा, ए बी हमें पता नहीं है और बी सी कितना है 20 है, तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा 20√3, आया समझ में, ए बी तो हमें मिल गया सर, अब हमें ए सी फाइंड आउट करना है क्योंकि AB plus AC is the height of this tree, आ रहा है समझ में, AB तो मिल गया, अब AC कैसे find out करें, देखो अब आपके पास opposite side भी है, adjacent भी है, hypotenuse भी है, but hypotenuse find out करने के लिए कौन सा ratio लेना पड़ेगा, sin भी चलेगा सर, क्योंकि sin का definition क्या होता है, opposite side upon hypotenuse, तो यहां पे मैं अब एक बार sin use करता हूं, ठीक है, तो sin 60, साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट मतलब ए बी है और हाइपोटेनस मीन्स ए सी है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 होती है, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी हमें गिवन है बेटा 20√3 और ए सी नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है सर। अब देखो क्या करते, ए सी इंटू √3, ठीक है, एक काम करते
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट थ्री इंटू ए सी इज इक्वल टू, ये टू इधर जाएगा तो टू इंटू 20 रूट थ्री होगा, तो ए सी इक्वल टू क्या आएगा बेटा 40 रूट थ्री, और ये रूट थ्री चला जाएगा डिवीजन में, तो ए सी कितना आया यहां पे, ए सी इज इक्वल टू आ गया 40, ठीक है, ए सी हमें मिला 40 और ए बी कितना आया था बेटा 20 रूट थ्री, समझ में आ रहा है, एक बार चेक करते साइन 60 बरोबर लिया है, हाँ रूट थ्री बाई टू ए बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यस करेक्ट, ठीक है, चलो तो AC आ गया हमारा, हमें टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, तो वो होती बेटा AB प्लस AC, तो AB कितना है 20 रूट 3 है, तो 20 रूट 3 प्लस यहां पे आएगा 40, तो अब यहां पे हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 20 और रूट 3 क्या है 1.73 करूं प्लस 40, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 1.73, इसका डबल क्या होता है 2 3 जा 6, 2 7 जा 4, 3 कैरी 1, 2 1 जा 2, तो ये होगा ये 0, चलो इधर ही करते हैं 1.73 इंटू 20 है, ठीक है 2 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ पहले मैं, ये करते 2 3 जा 6, 2 7 जा 4, ठीक है, तो एक 0 था इसके पास, एक 0 लगा दिया डेसिमल के बाद, दो डिजिट तो 34.60 और ये 40, तो एडिशन करेंगे तो क्या होगा बेटा 74.60 मीटर, सो दिस इज द हाइट ऑफ ट्री, जो कंप्लीट ट्री है उसकी हाइट हमें यहां पे मिल गई बेटा, ए बी प्लस ए सी करना था, तो ए बी 20 रूट 3 था, तो 20 रूट 3 की वैल्यू हमें कितनी मिली यहां पे 34, ठीक है, एक बार देख लो यहां पे 1.73 है, तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 1 जा 3, यस 2 के बाद डेसिमल, एक 2, ओके 2 के बाद यस 34.6 यहां पे हमें मिल गया, अब 34.60 प्लस 40, तो हमें यहां पे फाइनल आंसर मिला है 74.60 इज द हाइट ऑफ दिस ट्री, क्लियर, चलो पुट इट अवे, ओ ये खत्म हो गया, तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री ये जो टॉपिक है इसके हमने एकदम बेसिक से सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, देन बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखना और बोर्ड एग्जाम में इस सारे के सारे कंसेप्ट का आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो यहां पे हम रुकते हैं बेटा, फिर मिलेंगे, सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।